रीवा में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर लोगों में मैं हूं अभिमन्यु अभियान का आयोजन करके जागरूक किया गया। जानकारी के मुताबिक रीवा शहर में मैं हूं अभिमन्यु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों में छात्राओं को और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकना है। इसी तारतम्य में आज नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋतु उपाध्याय ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुराने बस स्टैंड में मैं हूं अभिमन्यु अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए आम लोगों के बीच जागरूकता करने वाले पंपलेट भी बांटे। साथ ही साथ बालिकाओं और महिलाओं को अपराधों के बारे में जानकारी भी दी। इसके साथ ही समाज में व्याप्त बुराइयां, नशा, दहेज, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, असंवेदनशीलता, अशिक्षा, लिंगभेद के चक्रव्यूह को तोड़ने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सभी को जागरूक भी किया। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश साहू ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से मैं हूं अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है कि महिला सुरक्षा और बालिकाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की रोकथाम कर सकें। इस अभियान के तहत स्कूल में छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। संवेदनशील होना है और ये संवेदनशीलता समाज में अपराध को घटित होने से रोकेगी और पुलिस विभाग के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है, आप सब सहयोग करेंगे। हमने सहयोग, सम्मान और समानता के लिए पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा मैं हूं अभिमन्यु नामक अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान ऐसे दुष्परंपराओं को, ऐसे दुष्चक्र को तोड़ने का है जो समाज में गहराई तक बसी हुई हैं और जो महिलाओं के खिलाफ हैं, जैसे नशा, दहेज, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, असंवेदनशीलता, भ्रूण हत्या, अशिक्षा और लिंगभेद जैसी समस्याएं हैं जिन्हें हम परंपरागत तौर पर मानते हैं और महिलाओं को इसके कारण काफ़ी अपराधों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब दुष्चक्र को तोड़ने के लिए मैं हूं अभिमन्यु नामक अभियान डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे कि अपराधों में कमी आए एवं लोगों में जागरूकता फैले कि महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहना कितना